हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर। एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक्स के एक नए लेक्चर को लेके, जिसका नेम हमारे पास है एंट्रोपी। राइट, तो चलिए बात करते हैं आखिरकार एंट्रोपी क्या होती है, एंट्रोपी से हमारे पास क्या मतलब होता है। तो देखिए, एंट्रोपी का मतलब होता है हमारे पास मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस। ठीक है, इसका क्या मतलब हमारे पास है, इसका हमारे पास मतलब है कि जो एंट्रोपी है वो हमारे सिस्टम में कितनी रैंडमनेस प्रेजेंट है वो मेजर करने में हेल्प करती है। ठीक है, एंट्रोपी हमारे पास हेल्प करती है हमारे सिस्टम में कितनी रैंडमनेस प्रेजेंट है, यानी कि हमारे सिस्टम के अंदर जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो कितना रैंडमली अरेंज है, उसी को हम क्या कहते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। राइट, जो हमारी एंट्रोपी है ये एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जो हमारी एंट्रोपी है ये कैसी प्रॉपर्टी है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को बढ़ाते या घटाते हैं, अगर हम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस को घटाएंगे या बढ़ाएंगे तो एंट्रोपी भी क्या हो जाएगी, घट या बढ़ जाएगी। राइट, तो यानी कि ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करती है। एंट्रोपी हमारा स्टेट फंक्शन है, एंट्रोपी हमारे पास क्या है, एक स्टेट फंक्शन है। स्टेट फंक्शन का मतलब क्या है, स्टेट फंक्शन का मतलब हमारे पास है कि ये इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है। एंट्रोपी कभी भी इस चीज के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी कि किस तरीके से एक स्टेट को हमने दूसरे स्टेट में कन्वर्ट किया, यानी कि पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजिशन के ऊपर डिपेंड करती है कि इनिशियल स्टेट क्या थी, फाइनल स्टेट क्या थी, उस पर एंट्रोपी डिपेंड करेगी। और थर्ड इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो एब्सोल्यूट वैल्यू होती है एंट्रोपी की वो डिटरमाइन नहीं की जा सकती। एब्सोल्यूट वैल्यू कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू को हम एंट्रोपी की डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या डिटरमाइन करते हैं, हम चेंज इन एंट्रोपी डिटरमाइन करते हैं। ठीक है, हम एब्सोल्यूट वैल्यू को डिटरमाइन नहीं करते हैं, यानी कि नहीं कर सकते हैं, यानी कि एग्जैक्ट वैल्यू एंट्रोपी की डिसाइड नहीं की जा सकती है, फाइंड आउट नहीं की जा सकती है। हम क्या फाइंड आउट करते हैं, हम फाइंड आउट करते हैं चेंज इन एंट्रोपी, दैट इज डेल्टा एस। ठीक है, तो अगर हमें एंट्रोपी चेंज निकालना है तो एंट्रोपी चेंज क्या होता है, एंट्रोपी चेंज होता है हमारे पास अमाउंट ऑफ हीट चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अमाउंट ऑफ हीट चेंज डी क्यू बाय टी, दैट इज अमाउंट ऑफ हीट चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। या फिर आप इसको क्या लिख सकते हो, डेल्टा एच बाय टी भी लिख सकते हो, या फिर आप इसको डेल्टा एच बाय टी भी लिख सकते हो, दैट इज एंथाल्पी चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, अब हमारे पास अलग अलग सिस्टम के लिए अलग अलग एंट्रोपी डिफाइन की गई है। फॉर एग्जाम्पल, हमने क्या किया, हमने सॉलिड को मेल्ट कर दिया लिक्विड के अंदर, हमने लिक्विड को वेपराइज कर दिया वेपर्स के अंदर, या फिर हमने एक एलोट्रोप को दूसरी एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, तो वहां पे हमने अलग अलग एंट्रोपी डिफाइन की है, क्योंकि हर जगह जो एंथाल्पी होगी वो क्या होगी, अलग अलग होगी। ठीक है, तो हमारे पास अलग अलग एंट्रोपी है। फॉर एग्जाम्पल, सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को लेके, सबसे पहले हम बात करते हैं एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन को लेके। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, द एंथाल्पी चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर व्हेन वन मोल सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। राइट, तो हमारे पास एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन क्या होगा, व्हेन वन मोल सॉलिड इज कन्वर्टिंग इनटू इट्स लिक्विड स्टेट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, उस टाइम पर जो एंट्रोपी चेंज होगा, जो एंथाल्पी चेंज होगा, उसी को हमने क्या कहा, एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन। तो यानी कि हम कह सकते हैं जो एंथाल्पी ऑफ फ्यूजन होगा वो क्या होगा, डेल्टा एच फ्यूजन बाय टी, और जो टी होगा ये कौन सा टेम्परेचर होगा, मेल्टिंग पॉइंट। ये टी क्या होगा हमारे पास, मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर होगा, क्योंकि जो फ्यूजन होता है सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट होता है वो मेल्टिंग पॉइंट पे ही कन्वर्ट हो जाता है। राइट, तो जब हमारा एक मोल सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा लिक्विड के अंदर, जब हमारा एक मोल सॉलिड कन्वर्ट हो रहा होगा लिक्विड के अंदर, तो उस टाइम पर जो एंथाल्पी चेंज होगी उसी को हमने क्या नाम दिया है, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन नाम दिया है। राइट, दूसरी हमारे पास है डेल्टा एस वेपराइजेशन, यानी कि एंट्रोपी, जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज है वेपराइजेशन के टाइम पर, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, इट इज डिफाइंड एज व्हेन वन मोल लिक्विड इज कन्वर्टिंग इनटू इट्स वेपर स्टेट, द एंथाल्पी चेंज एट दैट टाइम ऑन इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल बी कंसीडर एज एंट्रोपी ऑफ वेपराइजेशन। यानी कि ये क्या होगा, डेल्टा एच वेपराइजेशन बाय टेम्परेचर, जब वन मोल लिक्विड जो है वो कन्वर्ट हो रहा होगा उसकी गैसियस स्टेट के अंदर। ठीक है, उसी तरीके से हम लिख सकते हैं डेल्टा एच ट्रांजिशन। ठीक है, एक हमारे पास क्या होती है, डेल्टा एच ट्रांजिशन। ठीक है, इसका क्या होता है, इसका होता है डेल्टा एच ट्रांजिशन बाय टी। ठीक है,
जब हमारे पास एक एलोट्रोप दूसरे एलोट्रोप में कन्वर्ट हो रहा है उस टाइम पे जो उस एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो एंथाल्पी चेंज होगा उसी को हमने क्या नाम दिया, उसे हमने कहा डेल्टा एस ट्रांजिशन, यानी कि एंट्रोपी चेंज एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। अब देखिए जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जो एंट्रोपी है वो क्या होती है, इंक्रीज होती है। ठीक है, हमने क्या कहा, जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से जनरली हमारी एंट्रोपी भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज होती है, इसका रीजन ये है कि जो एंट्रोपी है वो क्या है, डिग्री ऑफ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ रैंडमनेस, कि हमारे सिस्टम में कितनी रैंडमनेस प्रेजेंट है। तो जैसे जैसे हमने टेम्परेचर इंक्रीज किया तो मॉलिक्यूल को क्या मिलेगी, काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। जितनी ज्यादा उनको काइनेटिक एनर्जी मिलेगी उतना ज्यादा वो रैंडमली मूव करेंगे, जितना ज्यादा रैंडमली मूव करेंगे उतनी ज्यादा एंट्रोपी हो जाएगी। या फिर आप इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो, मान लीजिए हमारे पास क्या था, सॉलिड था, तो सॉलिड के अंदर हमें पता है जो पार्टिकल्स होते हैं वो अपनी मीन पोजीशन के ऊपर ही क्या करते हैं, वाइब्रेट करते हैं। तो यहाँ पे जो रैंडमनेस है वो क्या होती है, बहुत कम होती है, क्योंकि इनका जो ऑर्डर है सॉलिड के अंदर, जो एटम का ऑर्डर होगा, जो पार्टिकल्स का ऑर्डर होगा, वो बहुत फिक्स रहता है। राइट, जब वो वाइब्रेट भी करते हैं तो अपनी मीन पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू वाइब्रेट करते हैं। लेकिन जैसे जैसे मैंने टेम्परेचर इनकी इंक्रीज किया तो टेम्परेचर इंक्रीज करने के बाद एक पर्टिकुलर टेम्परेचर जब अचीव हो जाएगा, सॉलिड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। अब लिक्विड में हमें पता है पार्टिकल जो है सॉलिड के कंपेयर में दूर दूर होते हैं, इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होता है, जिसकी वजह से ये ज्यादा रैंडमली मूव कर सकते हैं। राइट, अब जैसे ही मैंने इसको और टेम्परेचर दिया तो एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे लिक्विड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। गैस के अंदर पार्टिकल और ज्यादा दूर दूर होते हैं, ज्यादा दूर होने की वजह से उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या होगा, नेगलिजिबल होगा। और अगर उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेगलिजिबल होगा तो वो ज्यादा रैंडमली मूव कर सकते हैं बिना एक दूसरे को अफेक्ट करे, तो ज्यादा रैंडमनेस होगी, और जितनी ज्यादा रैंडमनेस उतनी ज्यादा हमारे पास एंट्रोपी हमें देखने को मिलती है। राइट, तो ये था एंट्रोपी के बारे में। अब देखिए हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस होते हैं, एक होते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस और एक होते हैं इररिवर्सिबल प्रोसेस। अगर मैं बात करता हूं रिवर्सिबल और इररिवर्सिबल प्रोसेस की, ठीक है, एक लास्ट पॉइंट और जान लेते हैं। हमारे पास दो टाइप के प्रोसेस है, एक हमारे पास है रिवर्सिबल प्रोसेस और एक हमारे पास है इररिवर्सिबल प्रोसेस। तो अगर मैं बात करता हूं रिवर्सिबल प्रोसेस की, तो रिवर्सिबल प्रोसेस हमने देखा था वो प्रोसेस होते हैं जो कि इनफाइनाइटली स्लो होते हैं। राइट, जो इनफाइनाइट नंबर ऑफ स्टेप में जाके पूरे होते हैं। हम किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पर ये नहीं बता सकते जिस प्रोसेस को देखे कि यहां पे प्रोसेस हुआ है या नहीं हुआ, उसे हम कहते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस। तो कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, चाहे आप एडियाबेटिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लीजिए, चाहे आप आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लीजिए, या आइसोकोरिक रिवर्सिबल प्रोसेस की बात कर लीजिए, कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, जो एंट्रोपी चेंज होती है डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए वो हमेशा क्या होती है, जीरो। कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो, हर रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होगी वो क्या होती है, जीरो हमें देखने को मिलती है। वहीं पे अगर मैं इररिवर्सिबल प्रोसेस की बात करता हूं तो इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो एंट्रोपी चेंज होती है वो हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ठीक है, इररिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो हमारे पास एंट्रोपी चेंज होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव। और कोई भी रिवर्सिबल प्रोसेस हो उसके लिए एंट्रोपी चेंज क्या होती है, जीरो। अब अलग अलग वैल्यूज रहती है इररिवर्सिबल प्रोसेस में, क्योंकि रिवर्सिबल तो चाहे कोई भी हो, एंट्रोपी चेंज क्या होगी, जीरो। लेकिन इररिवर्सिबल प्रोसेस में एंट्रोपी की क्या वैल्यू निकल के आएगी, क्या फॉर्मूला निकल के आएगा, वो डिपेंड करता है कौन सा इररिवर्सिबल प्रोसेस है, क्या वो एडियाबेटिक प्रोसेस है, क्या वो आइसोथर्मल प्रोसेस है, या कौन सा प्रोसेस है, जिसके बारे में हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। राइट, तो ये था एंट्रोपी के बारे में। तो आई होप आपको जो वीडियो है पसंद आई होगी। कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या फिर मेरे सोशल हैंडल्स के ऊपर जाकर मैसेज ड्रॉप आउट कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे।